हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो ओपिनियन। चलो आज हम बात करते हैं मारुति सुजुकी की बलेनो के बारे में। यह आप इसका 2022 मॉडल देख रहे हैं, जिसकी रेंज स्टार्ट होती है 6,40,000 रुपये से और टॉप मॉडल की कीमत है 9,80,000 रुपये। यह आप इसका डेल्टा वेरिएंट देख रहे हैं, जिसे आप मिड वेरिएंट भी कह सकते हैं। आज हम इस गाड़ी की फ़ीचर्स की बात करेंगे और कंपनी आपको इसमें डेल्टा वेरिएंट में क्या प्रोवाइड करती है उसकी बात करेंगे। आप इसके सिनेमैटिक सोर्स देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें प्रोजेक्टेड हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे और हेलोजन में इंडिकेटर और डे लाइट रनिंग मिल जाएगी DRL। इसमें आपको फोग लैंप नहीं आएगा आपके डेल्टा वेरियंट में। ब्लैक कलर की ग्रिल विद सिल्वर फिनिशिंग के साथ सुजुकी की बैजिंग। इसमें आपको 15 इंची स्टील रिम देखने को मिलेंगे, जो इसका टॉपेट वेरिएंट है उसमें आपको 16 इंची एलॉय आ जाएंगे आपके। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे आपको। इसके ये ORVM कंट्रोल्स विद इंडिकेटर लाइटनिंग, ऑटो फोल्ड एंड अनफोल्ड। नीचे स्किफ प्लेट, जो इसकी टेल लाइट है वो आपको LED में मिलेगी और इंडिकेटर और रिवर्स लाइट वो आपको हेलोजन में मिलेगी। बलेनो की बैजिंग, मारुति की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। इसका जो टॉपेट वेरिएंट है उसमें ही आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिलेगा। वाइपर वॉशर्स, डिफोगर, स्पॉइलर, नेक्सा की बैजिंग। ये आपको स्टील क्रोम में आपको इसकी ये फिनिशिंग देखने को मिलेगी। नीचे रिफ्लेक्टर, साइलेंसर, नीचे से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है गाड़ी का। पीछे एंटीना, प्लेन रूफ देखने को मिलेगी आपको इसमें। साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसी लग रही है गाड़ी। इसमें आपको 6 कलर्स के ऑप्शन है, वाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लू, रेड। टेन में लॉन्च हुई थी ये। आप इसका सेकेंड जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल दोनों में आती थी, पर मारुति ने 2017 से पहले के बाद की जो जितनी भी गाड़ियाँ है वो डीजल में बंद कर दी अपनी, वो ओनली पेट्रोल में आती है। आपने जैसे मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, मैंने जो 2023 बलेनो आई है उसकी वीडियो डाली है, वो भी सिर्फ पेट्रोल में आती है, वो डीजल में नहीं आई अभी तक। ये इसका बूट ओपन करके देखते हैं। आपको इसमें 318 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। पार्सल ट्रे, ये इसका, इसमें आपको 15 इंची स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, 16 इंची नहीं आएगा। जो इसका एक्चुअल साइज है टायर का वो 16 इंची है और जो स्पेयर व्हील का साइज है वो 15 इंची है। लो ये इसका पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। बोतल होल्डर, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये सब आपको फैब्रिक में देखने को मिलेगा। जिसका बेस सेट वेरिएंट है उसमें ये सब प्लास्टिक में आ जाएगा। जो इसकी सील्ड है, इसकी सीट है वो पूरी फोल्ड होकर इसका जो बूट स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें आप ज़्यादा सामान रख सकते हैं डिग्गी में। यहाँ पर इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, 2 हेडरेस्ट, हैंडल बार, जो रीडिंग लाइट है वो आपको हेलोजन में मिलेगी। जो इसका टॉपेट वेरिएंट है उसमें यहाँ पे पीछे 2 AC वेंट्स आ जाएंगे। ये फ्रंट साइड पैसेंजर डोर ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी स्पेस, बोतल होल्डर, पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक। कुछ इंटीरियर में ऐसा लग रही है गाड़ी,
यहाँ पर SRS एयरबैग की वेजिंग, AC वेंट, सनवाइजर मिरर विद वैनिटी मिरर, सनवाइजर विद वैनिटी मिरर, ग्लव बॉक्स, चलो आइए ड्राइवर साइड और ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर इसके ORVM के कंट्रोल्स, मिरर फोल्ड एंड अनफोल्ड, लॉक अनलॉक, पावर विंडो के कंट्रोल्स, बोतल होल्डर, ये इसकी सीट एडजस्टमेंट, जिसका टोपेट वेरिएंट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगी, इसके रेस ब्रेक क्लच। ये इसका इंजन स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे इसकी मारुति की बैजिंग, इसमें आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा और बीच में थोड़ी सी LCD की डिस्प्ले, लेफ्ट साइड RPM मीटर, राइट साइड स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल के, जो इसकी डिस्प्ले आप इसमें एवरेज ट्रिप ए ट्रिप बी टेम्परेचर टाइम ये सब दिखाएगा। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट चेंज AC देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, मैनुअल हैंड ब्रेक, ग्लोव बॉक्स, इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, सनवाइजर, रीडिंग लाइट, ये भी आपको हेलोजन में आएगी। इसमें आपको 9 इंच एम्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें आप वीडियो प्ले नहीं कर सकते हो, ये सेमी टच कह सकते हैं आप इसे जो, और आपको इसमें 4 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा इसमें, जो ये ब्लूटूथ और FM चलते हैं इसमें म्यूजिक सिस्टम में। अगर आपको इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की साउंड चेक करनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। मीडिया के कंट्रोल्स, ये ब्लूटूथ, कॉल उठाने का, कॉल काटने का, मैनुअल एडजस्ट मिरर, AC वेंट, 2 AC वेंट यहाँ पर। इसका हुड ओपन करके देखते हैं। इसमें आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो K12 सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन है। ये आपको 77 BHP की हॉर्स पावर प्रोवाइड करेगा और 113 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करेगा। कंपनी के हिसाब से इसकी जो गाड़ी की माइलेज आती है वो क्लेम होती है 18-20 किलोमीटर पर लीटर। ये इसकी बैटरी, यहाँ पर इसका कूलेंट डलता है, इसके वाइपर वॉशर्स का पानी डलता है जो। ये दोस्तों जिस बाइक की गाड़ी है उससे इसका ओनर रिव्यू लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हिमांशु। कहाँ से भाई? खरगड़ी जतमल। तो भाई आप बताइए इस गाड़ी के बारे में, आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी थी? भाई ये पड़ी थी 7.5 के आसपास। और ये ऑन रोड? हाँ जी। तो भाई आप जैसे आपने 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आप और कोई सी भी गाड़ी पर जा सकते थे, जैसे होंडाई की हो गई या फिर टाटा की हो गई, तो आपने मारुति की ही लेनी क्यों पसंद करी? पहली बार तो बजट गाड़ी है, मेरे पास पहले भी मारुति की स्विफ्ट डिजायर थी और हाँ इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। मेन रीजन आपका यही था कि आपके पास पहले गाड़ी थी मारुति की ही, और एवरेज क्या दे देती भाई आपको? इसकी ये ऑन रोड 16-17 की है। और आपको कोई दिक्कत लगी हो अभी तक इस गाड़ी में? अभी कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कितनी आ जाती है सर्विस की? ये आ जाती है 10-12 हज़ार। मतलब इसका जो सर्विस वहाँ पे आप कराते हो जहाँ पर भी, वहाँ पे सही तरीके से काम किया जाता है इसका? क्लीन चट है। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई मानसु। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट गाड़ी की वीडियो कौन सी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।